Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my YouTube channel. Today topic is relative atomic mass. इस topic को discuss करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए atomic mass का क्या मतलब है. देखिए जैसे आम life के अंदर आप किसी भी चीज़ का mass measure करते हैं. In same जब आप micro level पर जाते हैं तो atom का जो mass बनेगा उसको हम क्या कहते हैं atomic mass. जैसे आप कोई भी आम चीज़ है कोई भी चीज़ है उसका मास मेजर करते हो वो किलोग्राम में आता है ग्राम में आता है दैट इज़ मास ऑफ दैट थिंग. इन सिमिलर मैनर एक एटम का जो मास आएगा उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास. तो उसको आप यूँ कहेंगे कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कि रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन करें, रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है कि जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को आप एक रिलेटिव या एक स्टैंडर्ड लेके उसके साथ कंपेयर करें. कोई एक स्टैंडर्ड जो कि यूजुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है कार्बन 12. जब हम एटम के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं जो एटम का मास आता है दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास. तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड क्या लिया गया है, दैट स्टैंडर्ड इज C12. कार्बन का एक आइसोटोप है जिसे कहा जाता है कार्बन 12. जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को आप C12 के साथ कंपेयर करके मेजर करोगे वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास. अब हमें एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करने की क्या जरूरत पड़ी है, हम इस पे मेन बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे. सबसे पहली बात याद रखेंगे हम ये कहते हैं कि एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. जब हम एटम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, मतलब ये कि बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही इसको वे किया जा सकता है. जैसे आम लाइफ की चीज़ों को आप मेजर करते हो, वे करते हो किसी बैलेंस में ले जाके, अब उनको आप देख सकते हो, उनको विजिबल, वो चीज़ें विजिबल हैं. लेकिन एटम की हम बात करते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इट कैन नॉट सीन. जब इस चीज़ को देखा नहीं जा सकता, एक चीज़ को आप आम आंख से देख नहीं सकते तो उसको आप वे कैसे करेंगे. तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इट कैन नॉट सीन एंड दस कैन नॉट वेड, cannot weighed by ordinary instrument or ordinary balance. कि आप इसको आम बैलेंस से वे नहीं कर सकते. जैसे आम लाइफ की चीज़ों को हम मेजर कर लेते हैं, इस एटम को हम आम बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते. अब साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम आ गया कि एटॉमिक मास को नहीं मेजर किया जा सकता. एटॉमिक मास को नहीं मेजर किया जा सकता तो बहुत सारे केमिस्ट्री के ऐसे फिनोमेनाज फेल हो जाते हैं कि हमें एटम के एटॉमिक मास नहीं मालूम. अब बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती कि एटम के एटॉमिक मास को लिए बगैर. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम 1911 में एक साइंटिस्ट है एमिडियो एवोगैड्रो. इसने एक सजेशन दी कि अगर एटम के मास को एक स्टैंडर्ड ले लिया जाए और उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो मेजर किया जा सकता है. इसको जरा गौर से देखिए, 1911 में एवोगैड्रो ने ये सजेशन दी कि अगर हम एक किसी एटम को स्टैंडर्ड मान लें और बाकी एलिमेंट के मासेस को उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास एटॉमिक मासेस को मेजर किया जा सकता है. अब थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है. याद रखिएगा स्टैंडर्ड कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको इंटरनेशनल यूनियन या कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी स्टैंडर्ड मान ले.
जैसे देखिए आम लाइफ में आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसको कैसे वे करता है, एक तरफ वो नोन वेट वाला वो पत्थर रखता है, उसका वेट उसको मालूम होता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड, और दूसरी तरफ जो चीज आपने लेनी है उसको रखता है। अब जब वो दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, वो कहता है कि यार ये 1 kg, आप 1 kg बराबर हो गया, ये लो 1 kg। अब वो जो पत्थर रखा गया है दैट इज 1 kg, हाउ इट इज पॉसिबल, कि वो कैसे हमें पता चला कि वो पत्थर 1 kg है। अब ये नहीं है, उस पत्थर को हमने 1 kg माना है, SI सिस्टम ने उसको स्टैंडर्ड मान लिया, उतनी अमाउंट को उन्होंने कह दिया कि दिस अमाउंट इज 1 kg, 1 kg। इन सिमिलर मैनर कि दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज एक्सेप्टेड, उसको मान लिया गया है कि वो 1 kg है। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर भी हम एक एटम को स्टैंडर्ड मानते हैं इसके मुताबिक, एवोगैड्रो के मुताबिक, कि जैसे वहां पर स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, आम लाइफ में स्टैंडर्ड के साथ आप चीजों को कंपेयर करते हैं फिर आप मेजर करते हो, यहां पर भी यही केस है। एवोगैड्रो ने यह कहा कि हम एक स्टैंडर्ड ले लें और उसके साथ आप एटॉमिक मासेस को कंपेयर करके मेजर कर सकते हो। तो फॉर दिस फिर जॉन डाल्टन ने, लेटर ऑन जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया कि अगर हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान लिया जाए और उसके साथ बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें तो हम इस बात को मेजर कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने हाइड्रोजन को प्रपोज किया हैज अ स्टैंडर्ड, तो हम ये कहते हैं जॉन डाल्टन प्रपोज हाइड्रोजन एलिमेंट हैज स्टैंडर्ड, इसने इसको स्टैंडर्ड के तौर पर प्रपोज किया। बट लेटर ऑन ये स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया और ऑक्सीजन ले लिया गया, कुछ टाइम तक उसी तरह से ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया जाता रहा और उसके साथ एटॉमिक मासेस को मेजर करते रहे। लेकिन फिर 1957 के अंदर दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस ऑक्सीजन को भी रिप्लेस करके एक और सजेशन दी कि अगर हम कार्बन 12 को आइसोटोप माने, कार्बन का एक आइसोटोप है उसको अगर स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो वो इनके मुकाबले में ज्यादा यूजफुल है। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि ये कार्बन 12 की सजेशन किसने दी और कब दी। अब आपने याद रखना है 1957 में दो साइंटिस्ट हैं, ओलैंडर एंड नियर, इन दो साइंटिस्ट ने ये सजेशन दी कि अगर कार्बन के एक आइसोटोप कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो वो इन बाकी तमाम स्टैंडर्ड के मुकाबले में एक मोर यूजफुल वे साबित होगा एटॉमिक मासेस को मेजर करने में। तो हम ये कहते हैं कि ओलैंडर एंड नियर प्रपोज्ड C12 हैज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए इन दो साइंटिस्ट ने 1957 के अंदर कार्बन 12 को प्रपोज किया कि हम अगर इसको स्टैंडर्ड मान लें और इसके साथ बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो एटॉमिक मासेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर लेटर ऑन 1961 के अंदर After their suggestion, 4 year के बाद 1961 के अंदर IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, जो International Union है Chemistry की, उसने 1961 के अंदर कार्बन 12 को बाकायदा एक स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। तो हम ये कहते हैं कि 1961 IUPAC accepted C12 has standard. C12 को 1961 के अंदर स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब 1961 में जब IUPAC ने इसको स्टैंडर्ड माना तो उन्होंने इस कार्बन को एक डेफिनेट और एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की कि ये जो कार्बन है इस कार्बन का एटॉमिक मास मेजर किया गया और उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू असाइन की कि कार्बन 12, ये जो C12 है इसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 AMU रख दिया गया। और यहां से इस रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट बनी दैट इज AMU, AMU का मतलब है एटॉमिक
मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। 1961 में यूपैक ने जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना और साथ में इसको एक वैल्यू असाइन की कि इस कार्बन 12 का जो मास बनता है दैट इज एग्जैक्टली 12 amu। अब इसके बाद साइंटिस्ट ने एक वे डिजाइन कर लिया कि हमेशा कार्बन 12 को एक तरफ हम स्टैंडर्ड मानेंगे और बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को इसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे आम लाइफ में वो एक नॉन वेट वाला पत्थर ले लिया जाता है, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर भी यही है कि कार्बन 12 को ले लेंगे और उसके साथ हम बाकी एलिमेंट के मासेस को कंपेयर करेंगे और हमारे पास एटॉमिक मासेस आ जाएंगे। क्यों? कि हमने शुरू में एक बात कही है कि अगर आप एटम की बात करें तो एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। इसको आप आम चीज की तरह उठा के उस बैलेंस पर रख के किलो या ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इन ग्राम्स। इसको आप ग्राम में मेजर करें वो मुमकिन बात नहीं है कि उसको आप देख ही नहीं सकते। अब एक चीज को देखा नहीं जा सकता तो उसको फिर मेजर कैसे किया जा सकता है? तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सारी तगोदे की और फाइनली 1961 के अंदर एक नया स्केल डिजाइन किया जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और उससे जो मास आता है उसे कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम आते हैं एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है। देखें 1 amu, या आप ये कहें कि मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ C12 is assigned exactly as 12 amu। जो कार्बन 12 था उसके मास को एग्जैक्टली 12 amu वैल्यू दे दी गई। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 12 amu is equal to mass of carbon 12, mass of carbon 12। अगर मैं 1 के लिए करना चाहूंगा तो ये यू बनेगा 1 amu is equal to 1 by 12 into mass of carbon 12। अब यहां से देखें कि amu एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल बनती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। आप इसको यूं इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि amu जो यूनिट एटॉमिक मासेस के लिए रिलेटिव स्केल में वो क्या कहती है कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इसको इस वजह से भी डिफाइन किया जाता है द क्वांटिटी 1/12 of mass of carbon 12 is known as amu। तो यूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और एटॉमिक मासेस को इस तरह से रिलेटिव स्केल में मेजर किया गया। तो फाइनली हमारे पास ये बात आती है कि जब भी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम एक स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12, उसके साथ कंपेयर करके मेजर करेंगे उसे कहा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। थैंक यू वेरी मच।